मौसम विभाग ने दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में दो दिनों के लिए ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ठंड और कोहरे के चलते ये अलर्ट जारी किया गया, यानी कि दिल्ली वालों के लिए सर्दी और सितम ढहाने वाली है। 21 उड़ानें प्रभावित हुई हैं, 11 ट्रेनें रद्द हुई हैं दिल्ली में। दिल्ली में मौसम विभाग ने आने वाले 2 से 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी कि बहुत जरूरी नहीं है तो घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि शीत लहर का प्रकोप और बढ़ सकता है, कोहरा और घना हो सकता है। ऐसे में 21 उड़ानें हैं जो प्रभावित हो रही हैं, 11 ट्रेनें हैं जिन्हें रद्द करना पड़ गया है। तो मौसम विभाग ने दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, यानी कि आने वाले दिनों में ठंड का सितम और बढ़ सकता है। आज भी आप देख रहे हैं किस तरीके से कोहरा घना है और शीतलहर चल रही है, लिहाजा यहां मौसम विभाग ने यह चेतावनी दी है कि बहुत जरूरी नहीं है तो आप घरों से बाहर मत निकलिए, क्योंकि शीतलहर यहां प्रकोप ढा सकती है और ज्यादा ठंड पड़ने की संभावना है। ठंड और कोहरे के चलते इस अलर्ट को जारी किया गया है। यूरोप में कड़ाके की ठंड में भी गर्मी हो रही है। यूरोप के कम से कम 8 देशों में 1 और 2 जनवरी की को सबसे गर्म दिन के तौर पर रिकॉर्ड किया गया, यानी नए साल ने ही यूरोप को आने वाली गर्मी का ट्रेलर दिखा दिया। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि पिछला न्यू ईयर भी गर्म था, लेकिन 2023 की एंट्री ने 2022 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लात्विया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, चेक रिपब्लिक, द नेदरलैंड्स और डेनमार्क जैसे यूरोप के देशों में जनवरी का अब तक का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। बताया गया कि पोलैंड के एक इलाके में तो तापमान 19 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जबकि वहां मई में भी पारा इतना नहीं चढ़ता। वहीं जहां उसके पड़ोसी बेलारूस में जनवरी में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, वो 1 जनवरी को 16.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। उत्तर प्रदेश के हरदोई में खेत में मिले लड़की के शव केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दिल दहलाने वाला एक खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया कि लड़की का प्राइवेट पार्ट कटा था, बेरहमी से गला दबाकर उसकी हत्या को अंजाम दिया गया था। पुलिस को लड़की का शव गन्ने के खेत से मिला था। पुलिस का दावा था कि लड़की की हत्या 4 से 5 दिन पहले ही की गई थी, जबकि गन्ने के खेत में पड़े शव के कुछ हिस्सों को जानवर खा चुके थे। फिलहाल लड़की की पहचान नहीं हो पाई है। टडियावा थाने की पुलिस लगातार उसकी शिनाख्त करने की कोशिश में जुटी हुई है। राजस्थान के दौसा में हाईवे पर अमरूद लूटने का वीडियो सामने आया, ऐसा अमरूद से भरे पिकअप वैन के पलटने के बाद हुआ और वहां लोगों की भीड़ जुट गई। कड़ाके की ठंड के बावजूद लोग अमरूदों को बोरियों में भरते नजर आए, कोई पैदल तो कोई मोटरसाइकिल लेकर वहां पहुंचा, ताकि हाईवे पर पड़े अमरूदों पर हाथ साफ किया जा सके। चीन ने पाकिस्तान को ट्रेन की बोगियां बेचकर करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को उसने जो ट्रेन के डिब्बे बेचे वो उसके लिए कबाड़ सिक्के सिवाय कुछ भी नहीं है। और ये बात पाकिस्तान को तब पता लगी जब वो बोगियां उसके देश पहुंच गईं। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने चीन से खरीदी ट्रेन की बोगियों के लिए $15 मिलियन यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 120 करोड़ रुपए खर्च किए। लेकिन ये ट्रेन के डिब्बे पाकिस्तान में जाकर कबाड़ हो गए, क्योंकि वहां की पटरियां इसे चलाने के काबिल ही नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन ने जो ट्रेन के डिब्बे पाकिस्तान भिजवाए उनमें ब्रेक लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाला 20 इंच मोटा प्रेशर पाइप लगा है, जबकि पाकिस्तान में रेल की पटरियां महज 2.5 इंच मोटे प्रेशर पाइप के हिसाब से बनाई गई हैं। यानी अगर चीनी डिब्बों को पाकिस्तानी पटरियों पर दौड़ाया गया तो ट्रेन को रोक पाना नामुमकिन हो जाएगा। यही वजह है कि अब पाकिस्तान को इन डिब्बों की मरम्मत के लिए फिर से मोटी रकम खर्च करनी